हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज हम लोग जो जाने वाले हैं मड आइलैंड के लिए, तो संडे के दिन मड आइलैंड हम लोग पहुंचेंगे, तो चलिए फिर चलते हैं। तो धूप भी तेज है और मतलब बारिश होने की संभावना नहीं है, तो बारिश नहीं होने वाली है। तो जैसे कि दिख रहा है पूरा धूप ही धूप है, तो बारिश नहीं होगी तो फिर चलते। तो गाड़ी को अभी पोंछ रहे हैं और गाड़ी पोंछ के हम लोग निकलेंगे, गाड़ी की सफाई। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग निकल गए यहाँ से, और पीछे पांडी गाड़ी जैसे कि, और हम लोग आगे की तरफ। तो अभी पवई से होते हुए हम लोग मड आइलैंड के लिए निकलने वाले। तो पीछे है बिल्कुल पांडी गाड़ी और अभी हम लोग सीधे निकलेंगे, तो देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल रोडों पे जो है खड्डे खड्डे हैं यहाँ पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो पवई जाने के बीच में इतने सारे खड्डे भी पड़ रहे हैं इसमें। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए और ये सब चीज़ें सही करनी चाहिए। ये सब चीज़ें दोस्तों तकलीफ होती है पब्लिक लोग को जाने में, गाड़ी चलने में। देख सकते हो कितने सारे ख़राब रास्ते यहाँ पे। अभी हम लोग निकले यहाँ से, ये रास्ते बहुत ख़राब है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल जो है यहाँ पे। और बारिश का यहाँ पे माहौल पूरा बना हुआ है। घर से निकले तो बारिश का तो सीन नहीं था, लेकिन अभी जिस बारिश का सीन लग रहा है जैसे दोस्तों, अच्छा छाता हाथ में ना कुछ है, दिख जाएंगे देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं और पेट्रोल भरा के फिर यहाँ पे निकलेंगे। तो ये गोरेगांव का पेट्रोल पंप है दोस्तों, लाइन बहुत है, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, फिर भी लाइन कम नहीं हो रही। तो अभी पेट्रोल भर रहे हैं दो सौ। चलो फिर पांडे अंडे मिल गए हैं अपने को फिर से, और आराम से चलो भाई। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं दोस्तों, पूरा जो है यहाँ से निकलने के लिए तैयारी। आप चलो, आपको रास्ता पता है ना। पांडे का वेट कर रहे हैं ये लोग, फिर दूसरे रास्ते से आ रहे थे ये आ गए इधर पे है। वहाँ भी हम लोग पांडे लोग पीछा कर रहे हैं पूरा पूरी तरह से। स्ट्रक्चर है और कलर यहाँ के पूरे के पूरे अलग ही है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर भी अलग बने हुए हैं और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन भी कुछ अलग तरीके से हुआ है। ये इलाका भी अलग है, तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है ये मुंबई, अलग मुंबई है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए माइंड स्पेस की तरफ और अभी हम लोग चल ही रहे हैं, तो लगभग यहाँ से 30 मिनट का रास्ता। और ये सब बन रहा है मेट्रो, मेट्रो का पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है हर एक जगह। तो दोस्तों अभी हम लोग मारले रोड, मारले की तरफ है अक्सा बीच के साइड में। देख सकते हो यहाँ लोकेशन कितना प्यारा दिख रहा है इसमें, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी आजू बाजू पूरे
पेड़ और सब चीज़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा पेड़ पौधे पूरा जंगल है यहाँ पे। ये व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। चला थोड़ा पास चला यार, देख सकते हो बिल्कुल शानदार यहाँ पे क्रिएट हो गया जो माहौल। साइड रिजॉर्ट भी पड़ता है, देखो मड आइलैंड अच्छा बीच मारवे बीच उसी साइड पड़ता है और डिफेंस कॉलोनी है, डिफेंस लैंड है पूरा, डिफेंस का पूरा एरिया डिफेंस वाले रहते हैं, दिया हुआ है दोस्तों देखो। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ भी पूरी की पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। हम लोग सुबह ही चल रहे हैं, इस साइड बिल्कुल जो राइट साइड में है अक्सा बीच है, तो यहाँ से नहीं दिखेगा आप लोगों, लेकिन इसके राइट में पूरा अक्सा बीच है, तो हम लोग आए थे वहाँ पे भी एक बार। ये देख सकते हो कितना हरा भरा पूरा लोकेशन इधर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा, मानो जैसे लग रहा है कि गाँव पहुँच गया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है गाँव की रोडें लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा गाँव रोड। इधर ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे टर्निंग है पूरा, दोस्तों अभी तो हम लोग पहुँच गए, ले देख सकते हो पूरा ये बीच यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ता यहाँ से मुझे मिल नहीं रहा है रास्ता कहाँ पे, तो अभी रास्ता देखते हैं। लोकेशन बड़ी प्यारी लग रही है, एक्चुअली ये सब लॉज है मतलब रहने के लिए रूम वगैरह है, तो यहाँ पे आप लोग रह सकते हो, एक दो दिन का रेंट ले सकते हो, रेंट में लेके रेंट से आप मतलब यहाँ पर रुक सकते हो दो तीन दिन चार दिन, तो लोकेशन बड़ी प्यारी है। दोस्तों ये देखो पूरा बीच पे पहुंच चुका हूँ, ये है मड आइलैंड पूरा, और अभी जो है दिख सकते हैं आप लोगों को पूरा क्लियर, जैसे कि गंदगी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था इतना ऐसा रहेगा यहाँ पे, देख सकते हो पूरा गंदगी मच हुई है और ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे, तो अभी हम लोग नीचे जा के देखते हैं थोड़ा क्या सीन है यहाँ पर। रास्ता बहुत बेकार है दोस्तों, मतलब पूरा खेती है बालू है और एकदम पानी का तो लहर अच्छा आ रहा है और आगे की तरफ है सही, तो ये बीच है देख सकते हो पूरा, काफ़ी लहरें भी बहुत ज़्यादा ही है और जैसा कि लहर काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रही है तो अच्छा, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सफाई के मामले में तो ये अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अरसोवा बीच या फिर अरसा बीच देखो या फिर जू बीच देखो, तो सब बीच में ये बीच गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, और दिख रहा अच्छा है लोकेशन तो बहुत अच्छी है, पर अगर थोड़ी सफाई अगर रहे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा, ये बीच भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ऐसे तो देख सकते हो, और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है इस समय। लहरें आ रही है बहुत ही अलग ही अंदाज यहाँ का, ये है मड आइलैंड। आइलैंड की बात करो तो आइलैंड है इधर पे, आइलैंड देखो जैसे कि वो छोटा सा दिख रहा है बीच में, वो आइलैंड ही है इसका, छोटे छोटे पहाड़ टाइप है बीच में भी है दोस्तों, देख सकते हैं पानी की लहर जो है बिल्कुल जो है बढ़ रही है जैसे कि, और लोग भी यहाँ पे मतलब इतने नहीं है देख सकते हो, मतलब लोग भी इतने नहीं है लगभग, अभी जो है अभी एक दो बजे का टाइम हो रहा है दो ढाई, तो लोग भी दूर दूर तक देख सकते हो बहुत कम है, और फिर बर्थडे वगैरह मनाने के लोग आए यहाँ पे, तो मतलब इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है ऐसा कुछ, मतलब पाउस लोग का मतलब भीड़ नहीं है जैसे कि जू बीच में अक्सा बीच में सब वगैरह बीच में कुछ ज़्यादा होता है।
तो अभी हम लोग थोड़ा देर यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा देर टाइम पास करेंगे और थोड़ा देर हम लोग फोटो वोटो लेंगे, फोटो शूट करेंगे। पांडे लोग भी आ गए तो वहाँ पे आ रहे हैं वो लोग, और अभी हम लोग फोटो वोटो शूट करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी जैसे कि आगे देखते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पर अभी जाने वाले, तो यहाँ का तो माहौल आप लोग ने देख लिया है किस तरीके का है, कैसा है। बिल्कुल जो यहाँ पे थोड़ी सी सफाई वगैरह नहीं है, थोड़ा सा आउट है दोस्तों, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ी रेख देख नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। आप आओगे तो यहाँ पे इंजॉयमेंट अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ब्यूटीफुल जगह है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गंदगी साफ़ सफाई नहीं है तो ऐसा लगता है गंदा है। ठीक सामने जो है पगोड़ा है मंदिर बुद्ध का, तो काफ़ी अच्छा है, कभी जाएंगे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी जैसे कि हम लोग निकल गए वहाँ से, और अभी जैसा कि अभी हम लोग एक दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते कैसा माहौल है उधर पे। तो अभी थोड़ा बने रहे और थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट का, तो वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में। देखते हैं वहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो है, माहौल है, कैसा वहाँ का व्यू है। तो देख आप देख रहे हो कैसा रोड है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लॉज वगैरह देख सकते हो साइड में, लेफ्ट साइड। देखो तो आप मिस करेंगे जब आप आएंगे ऐसी जगह पे, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी नेचुरलिस्टिक जगह है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आना, ऐसी जगह पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो मज़ा आया दोस्तों हम लोगों को। मड जो आइलैंड है, जो हमारा बीच है, देखने में मज़ा आया। तो देख सकते हो राइट साइड में पूरा लॉज वगैरह देख सकते हो, सब बना हुआ है वही है। चलिए वर्सोवा अक्सा बीच भी इसी साइड है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग प्लान चेंज हो गया तो अक्सा बीच पे पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ का क्या सीन है। तो हम लोग तो यहाँ पे भी पहुंच गए अक्सा बीच की तरफ, वहीं से जा रहे थे तो अक्सा बीच बीच में पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे भीड़ है, वहाँ कुछ भीड़ नहीं थी, यहाँ पे भीड़ देखो, खतरनाक भीड़ है यहाँ पे। तो ये है, इसे बोलते हैं बीच। तो यहाँ पे भीड़ होती है दोस्तों, वहाँ पे मतलब सफाई भी होती है, सफाई वगैरह ठीक ठाक रहती है, क्लीन रहता है, एनवायरनमेंट सही रहता है, देख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब स्टॉल वगैरह भी बहुत लगे हुए हैं, काफ़ी छोटे छोटे। तो ये चीज़ है, अलग अलग माहौल है, अलग अलग जगह, एक वो है और एक ये जगह है। देखो यहाँ पे सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और देखो क्रिकेट चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। तो बीच के साइड में आप अलग ही माहौल है, ऐसा अगर खेलने मिल जाए क्रिकेट विकेट और घूमने मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा दोस्तों। अलग ही अंदाज, अलग ही फीलिंग, अलग ही जो लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो जंगल के साइड में हरा भरा, इस टाइम पर काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे आए थे, तभी कोई नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब भी देखो पूरा इस जगह पे स्टॉल वगैरह लगता था, उस टाइम बताया था मैंने, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब भी पूरा का पूरा जो स्टॉल है लगे हुए, और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जुहू के मुकाबले, लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो मतलब अलग ही लगता है देख के, अच्छा लगता है ऐसा चीज़ देख के। मामा जी जो है देख सकते हो आप, और काफ़ी दूर से आए हैं और घुमा रहे हैं हम इनको, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये पांडे भाई, तो कैसे हो भाई आप लोग? सब मज़े में, एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय करो दोस्तों, और आप लोग आओ फुल एंजॉय करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे लग रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग ये पहुँचे और मज़ा आए। आई होप यू
पीपल विल लाइक दिस वीडियो एंड कीप शेयर कीप लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, सपोर्ट करो और शेयर करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे बढ़ते रहें, आप भी बढ़े, आप हम भी चले साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो थैंक यू एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय।